जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी घटना के दौरान भांजे ने जैसे ही संबंध बनाए तो मामा ने देख लिया था, जिसके बाद मामा उसके रुकावट बन रहा था और भांजे ने ही इस फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया है। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां पर दो दिनों से एक युवक लापता था जिसकी तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जैसे ही युवक की तलाश की गई तो उसमें भांजे और मामी के अफेयर का पता चल गया और इस घटना का खुलासा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरी घटना सरोरपुर थाना क्षेत्र के गांव डेहरा की है और गांव निवासी संदीप उम्र 32 वर्षीय पुत्र मुंशिक दो दिनों से लापता था और संदीप गांव में नाई का काम करता था। संदीप घर नहीं आया तो परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद खोजबीन शुरू कर दी गई थी। पुलिस को जंगल के बाहर से ही संदीप का शव बरामद कर लिया था, जिसके बाद बातचीत के दौरान प्रीति और भांजे के अफेयर का पता चल गया था। जैसे ही इसके आधार पर पुलिस ने संदीप के पत्नी प्रीति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भांजे और उसकी मामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।